गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। वेट लॉस और वेट गेन एक ऐसा एक झूला है जो ऐसे ऐसे ग्राफ में चलता है हर किसी की लाइफ में। वेट गेन, भागो वेट लॉस करो, वेट लॉस हुआ मेंटेन नहीं करना आया, फिर वेट गेन, फिर भागो वेट लॉस करो। सो इसी के पीछे ना कई लोग ऐसे हैं जिनके सालों साल की ज़िंदगी निकल गई और वो अपने टारगेट पे ही नहीं आ पाते। सो अभी एक बात बताओ, वेट गेन किन किन चीज़ों की वजह से होता है? नींद ना लेना 8 घंटे की, मैं बोल रही हूँ जो कि मैं खुद बहुत कम घंटे से होती, बट मैं अपना वेट तो गेन नहीं होने देती, टच वुड। सेकेंड इज ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस लेना, सही खाना गलत समय पे खाना और गलत खाना भी गलत समय पे खाना, एंड एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, हार्मोनल पिल, या फिर आपका पीरियड्स रेगुलर ना होना, एंड पुअर लाइफस्टाइल। पुअर लाइफस्टाइल में हम बहुत सारी चीज़ें काउंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। एंड जिन जिन लोगों के साथ ये चीज़ है कि जो ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं है, हम उठे 6 बजे, बच्चों को भेजा स्कूल, हस्बैंड को भेजा ऑफिस, घर का काम निपटाया, सास ससुर को खाना दिया और उसके बाद हमने खुद खाना खाया 12 बजे, विच इज लाइक ब्रंच करा, काटा, इक्वल टू वेट गेन। सो आज की वीडियो में मैं बात करती हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपीज की। सो ब्रेकफास्ट की आज मैं 2 रेसिपीज की बात करूँगी, जो कि है स्टफ रोटी और पराठा। नाउ आई एम अ पर्सन जो पिछले 6 साल से पराठा खा रही हूँ, और मैं आई एम अ पंजाबी, सो मैं तो पराठे के बिना रह ही नहीं सकती। मैं डेली पराठा खाती हूँ और मैं डेली, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को दिन में एक बार ही पराठा चाहिए, तभी मेरा जो डाइट है वो पूरा हुआ है, आज दिन का ना पूरा कंप्लीट हुआ है। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरी सबसे द फेवरेट ब्रेकफास्ट की रेसिपी, अनियन पराठा, और सेकेंड इज हरा धनिया का पराठा। अभी थोड़े टाइम में बहुत सारी हरी सब्जियाँ आ जाएंगी मार्केट में, तब मैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज दिखाऊंगी आपको रिलेटेड टू हरी हरी सब्जियों की। बट आज की वीडियो में मैं ब्रेकफास्ट की ट्रू रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मेरी द मोस्ट फेवरेट है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो जो लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, या जिन जिन को लगता है मैं एक ही बारी ब्रंच कर लेंगे और इतने लंबे समय तक भूखे रहते हैं, ट्रस्ट मी शुगर हो जाएगा आप लोगों को, आपका पीरियड्स कभी रेगुलर नहीं आएगा अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो। और अगर आपका दिमाग में ये चलता है कि हाँ जी आपा वेट लॉस भी कर लेंगे इसी बहाने से, तो वो तो आप गेम ही भूल जाओ। ब्रेकफास्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें हेल्दी खाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप खाओ, लेकिन वो देखो आप क्या खा रहे हो और किस तरीके की चीज़ें खा रहे हो और किस तरीके से वो चीज़ें आपकी बॉडी पे रिएक्ट कर रही है, राइट? सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ 2 हेल्दी रेसिपीज फॉर योर ब्रेकफास्ट, एंड जिसकी हेल्प से ना आप बोर भी नहीं होगे। काफ़ी लोग होते हैं बोर होते हैं ना डाइट छोड़ देते हैं, गलत बात है। सो मेक श्योर आपकी डाइट जो है वो इतनी ज़्यादा रंगीन हो कि आपको भूख ना लगे, आपकी क्रेविंग स्किल हो और आपको फील ही ना हो कि आप एक डाइट पे हो, वो आपका एक लाइफस्टाइल पूरा बन जाए, राइट? सो चलते हैं किचन में और बनाते हैं परांठे और स्टफ रोटी। ओके जी, सो जो हम परांठा बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम कुछ गूंदना है आटा। सो हम कौन कौन से आटा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले मैंने लिया रागी, और जितनी क्वांटिटी में मैंने रागी लिया है सेम उतनी क्वांटिटी पे मेरे पास है यहाँ पे वीट फ्लार, गेहूं का आटा। सो इससे हमारे 2 फुलके बनेंगे इतनी क्वांटिटी से। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करेंगे जिसकी हेल्प से हमें एसिडिटी नहीं होगा और डाइजेशन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले है यहाँ पे कस्तूरी मेथी, सेकेंड इज पिंच ऑफ अजवाइन, थर्ड वन इज सूखा धनिया पाउडर, नेक्स्ट इज भुना हुआ जीरे का पाउडर, नेक्स्ट इज हमारा हल्दी का पाउडर, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा पिंच ऑफ हिंग पाउडर। बढ़िया, अब इसका हम गूंदेंगे आटा, जो कि गूंदेगी मेरी संजना, क्योंकि मेरे हाथ में नेम्स हैं। ओके जी, सो दिस आटा बिल्कुल रेडी है, ये परफेक्ट, ठीक है। अब हम बनाएंगे इससे परांठा। यह हमारा पेड़ा, चलिए जी, यहाँ पे हम फिलिंग के लिए, ये रहा मेरे पास हरा धनिया, इसको मैंने धोया है, क्विक टिप टिश्यू पेपर से साफ करा है, सारा एक्सेस वाटर हटाया है, इसको बिल्कुल सुखाया है धनिया को ना, टिश्यू पेपर से साफ करो या रोटी वाले कपड़े से इसको साफ करो, उसके बाद जाके ही इसको इसमें फिल करना, अदरवाइज ये फट जाएगा पूरा पानी गीले होने की वजह से। मैं यहाँ पे सिर्फ नमक डाल रही हूँ क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें आटे में डाली हुई हैं। सो अब हम बनाएंगे इसकी पोटली, अच्छी सी सुंदर सी,
ये रहा मोमोज की पोटली होती है ना बिल्कुल वैसी। ये लो जी बन गई जी हमारी पोटली। हल्के हाथ से इसको बेलना आप चालू करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। सो ये रही जी हमारा स्टफ रोटी। सो यहाँ पे ये तवा जो है हमारा रेडी हो चुका है और ये हम डाल देंगे हमारा फुलका तवे पे। ओके जी सब देखते हैं हमारी स्टफ रोटी बिल्कुल तैयार दिख रही है मुझे। तो ये रोटी बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। ओके जी इसके ऊपर अब हम लगाएंगे हमारा घी और ये रहा हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार। चलिए जी नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा प्याज की स्टफ रोटी। सो ये रहा मेरा पेड़ा, इसको अब हम अच्छे से रोल करेंगे सूखे आटे में। इसके अंदर अब हम फिल करेंगे हमारा कटे हुए अनियंस। अब ये अनियंस भी मैंने काटे हैं, धोए हैं, टिश्यू पेपर से साफ करे हैं, तब हम इनको परांठों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज परांठा फटने का पूरा पूरा चांस रहता है, पूरा पूरा चांस। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, सिर्फ और सिर्फ नमक, दैट्स इट। एंड इसको अब अच्छे से हम रोल करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से लाइक दिस। ओके जी सो दिस चपाती जो हमारी स्टफ रोटी अनियन की बिल्कुल रेडी है। सो इस पे हम लगाएंगे हमारा एक चम्मच घी बढ़िया से और ये बिल्कुल हो गया जी तैयार। वेलकम बैक जी। सो ये जो कौन कौन ले सकते हैं, सब ले सकते हैं सब। इनफैक्ट शुगर के पेशेंट भी हमारे ले सकते हैं, फिशर पाइल्स वाले भी ले सकते हैं, पीसीओडी वाले भी ले सकते हैं, सब खाओ। मेक श्योर आप एक से दो ही खाना, तीन पे शिफ्ट मत हो जाना। सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। सो आई सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो ये कौन सा परांठा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके बताना, मेरा फेवरेट है अनियन परांठा। सो यार दैट्स इट, आई सी यू सून। सो टेक केयर जी, बाय बाय।